और इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, ये बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें भोपाल से। यहां इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यहां पर झोलाछाप डॉक्टर्स पर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है। आपको बता दें खबर हमने प्रमुखता से चलाई थी और बताया जा रहा है कि यहां पर शिकायत मिल रही है और कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई, झोलाछाप डॉक्टर्स पर। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, तो इंडिया न्यूज की खबर का असर यहां पर हुआ है। आपको बता दें इस पर कार्रवाई हुई है इस खबर पर, और झोलाछाप डॉक्टर्स को लेकर अब यहां पर कार्रवाई हो रही है। तो इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है, स्वास्थ्य विभाग झोलाछाप डॉक्टर्स पर अब कार्रवाई कर रहा है। तो क्षेत्र में तमाम झोलाछाप डॉक्टर्स ने आपको बता दें जिसकी शिकायत इंडिया न्यूज ने भी की थी, ये खबर को प्रमुखता से हमने चलाया था, जिसके बाद इसका असर हुआ है और स्वास्थ्य विभाग अब झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई भी कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झोलाछाप डॉक्टर्स पर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान भी दिया है कि कार्रवाई इन पर होगी और जहां से भी शिकायतें मिल रही हैं उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो जहां जहां से शिकायतें मिल रही हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वहां पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर्स पर इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी और इसका असर अब हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान यहां पर सामने आ रहा है कि जहां पर भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं वहां पर अब मंत्री जी कार्रवाई करवा रहे हैं। और इसी पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी हैं कुलभूषण। कुलभूषण, क्या कुछ हुआ, किस तरह से हमने जो खबर दिखाई थी किस तरह से इसका असर हुआ स्वास्थ्य मंत्री और क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि इस तरह के जो भी मामले आएंगे झोलाछाप डॉक्टरों के, तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो झोलाछाप डॉक्टर हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है और ऐसी स्थिति में आम जनता को काफी परेशानी होती है। क्योंकि कोविड के दौरान भी ये देखा गया था कि गलत जांच और गलत इलाज की वजह से काफी लोगों की जान गई थी। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो है कार्रवाई करने की बात स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह की शिकायतें अगर मिलती हैं तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे जी। और कहीं ना कहीं इस तरह के डॉक्टर्स वहां पर होते हैं, गलत दवाइयां यहां पर दे देते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी काफी रिस्क यहां पर हो जाता है, तो ऐसे में इन पर कार्रवाई करना भी बाकी जरूरी है। क्या यहां पर इस तरह के जो झोलाछाप डॉक्टर्स हैं ये काफी लंबे समय से ऐसी तरह के काम कर रहे थे? बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ड्यूटी करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से जो कंपाउंडर रहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आना जाना शहरी क्षेत्र में करते हैं। तो धीरे धीरे जब उनको नॉलेज हो जाता है तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं के भरोसे जो है ग्रामीण वासी रहते हैं। जब तक बड़े डॉक्टरों की ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगाई जाएगी तब तक जो है झोलाछाप डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आएगी। अब यहाँ पे सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब एमबीबीएस की पढ़ाई करके छात्र छात्राएं निकलते हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से जो झोलाछाप डॉक्टर है इनकी संख्या लगातार बढ़ती है और जो ग्रामीण वासी हैं वो ऐसे डॉक्टरों पर विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं गलत इलाज की वजह से ग्रामीणों को काफी नुकसान भी होता है, कई ग्रामीणों की मौत भी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।